अपनी गर्लफ्रेंड और लिव इन पार्टनर श्रद्धा की बेरहमी से हत्या करने का आरोपी आफताब पूनावाला जब से गिरफ्तार हुआ है मीडिया से मुंह छिपाता फिर रहा है। जब जब पुलिस उसे जांच के लिए मेहरोली के जंगल लेकर गई या पेशी के लिए कोर्ट लेकर आई, आफताब हर बार सफेद नकाब के पीछे अपना चेहरा ढके नजर आया, मीडिया के सवालों से भागता नजर आया। लेकिन मंगलवार को पहली बार आफताब का चेहरा देखने को मिला। गिरफ्तारी के बाद ये पहली दफा था जब आफताब का चेहरा नजर आया। हालांकि चेहरे पर मास्क जरूर था, लेकिन काफी हद तक उसका चेहरा नजर आ रहा था और हाव भाव भी साफ पढ़े जा सकते थे। दरअसल दिल्ली पुलिस आफताब को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी लेकर आई थी। वहीं पर आफताब को यूं देखा गया, गोल गले की टी शर्ट और पैंट पहने आफताब की बॉडी लैंग्वेज काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। वो अफसरों से आंखें मिलाकर बात कर रहा था, कभी कुछ पूछता तो कभी उनके सवाल का जवाब भी देता। इसके बाद जब वो बाहर निकला तो उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग ही नजर आ रही थी। दोनों हाथ फोल्ड करके सीढ़ी उतरते आफताब के ये हाव भाव देखिए, क्या आपको कहीं से भी लग रहा है कि इस बंदे ने इतनी जघन्य हत्या की है? कोई पछतावा, कोई अफसोस, कुछ उसके चेहरे पर उसकी बॉडी लैंग्वेज में नजर नहीं आता। बहरहाल आपको बता दें कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि आफताब ने कोर्ट में वर्चुअल पेशी के दौरान श्रद्धा को मारने की बात कबूल कर ली है। उसने कहा कि श्रद्धा ने उसे उकसाया, जिसके बाद गुस्से में आकर उसने श्रद्धा को मार डाला। उसने ये भी कहा कि वो पुलिस को सब कुछ बता चुका है और अब कई बातें उसे याद भी नहीं आ रही। लेकिन आफताब के वकील अविनाश कुमार ने इस कबूलनामे का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि आफताब ने ऐसा कोई कबूलनामा कोर्ट में नहीं दिया, ऐसा कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड में भी नहीं लिया गया है। उसने बस इतना कहा कि श्रद्धा उसे उकसाया करती थी और दोनों के बीच झगड़े हुआ करते थे। और इस बीच साकेत कोर्ट ने आफताब की पुलिस रिमांड भी 4 दिन बढ़ा दी है। गिरफ्तारी के बाद से आफताब से मिलने अब तक कोई नहीं आया है। आफताब ने कोर्ट से परिवार से मिलने की इजाजत मांगी थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है। ये बात और है कि आफताब के परिवार का ही कुछ अता पता नहीं है, कोई जानकारी आफताब के परिवार के बारे में नहीं मिल पा रही है। बेटे की गिरफ्तारी के बाद से ही उसके माता पिता गायब हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट। आफताब कोई रिग्रेट क्यों मारा उसको? श्रद्धा को आफताब श्रद्धा को क्यों मारा आफताब श्रद्धा को क्यों मारा तुमने? कोई रिग्रेट कुछ क्या? किस बात में झगड़ा हुआ था? आफताब मारा आफताब किस बात में झगड़ा हुआ था?